हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये एक लेवल रोड है, ये देखो ये सड़क है और आप देख सकते हो कि ये राउंड अबाउट है, ये राउंड और राउंड अबाउट है और इसके आसपास सड़क का ट्रैक है, ये रहा और ये रही गाड़ी। गाड़ी जब मूव करेगी तो ये ऐसे मूव कर रही है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है हर वक्त। इवन अगर आप स्लो मोशन में गाड़ी को बहुत तेज़ देखें चलती हुई और स्लो मोशन में कैप्चर करें तो आप देखेंगे गाड़ी ऐसे उठी दिखेगी आपको, और गाड़ी पलट भी सकती है ऐसे। तो गाड़ी कभी ऐसे नहीं पलटेगी, राउंड अबाउट पर नहीं पलटेगी, बहुत तेज़ गाड़ी हमेशा ऐसे पलटेगी। इसका मतलब उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, ये देखो। तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, और अगर बाहर जाने की है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी? इनवर्ट। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फ्रिक्शन अंदर काम करेगी, और फ्रिक्शन अगर टुवर्ड सेंटर काम करेगी क्योंकि इसकी टेंडेंसी बाहर। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे जाए ना, ऐसे नहीं जाएगी, आउटर के ऊपर जोर पड़ता है। मैंने कहा था आउटर टायर्स हमेशा घिसेंगे, तो आउटर टायर के ऊपर जोर पड़ेगा और बाहर जाने की कोशिश करेगी फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर, जो कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करती है। तो नहीं, याद रखना है लेवल रोड पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर है? और हमने डिस्कस किया भी था ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है गाड़ी की सड़क पे। अगर उसने लेवल रोड के ऊपर टर्न लेना है तो ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैंक रोड। बोलो सर, एक क्वेश्चन था पिछले वाले में।